आज हम आपको विराली मोदी के बारे में बताने जा रहे हैं। विराली मोदी व्हीलचेयर के सहारे चलती है। उन्होंने हैशटैग माई ट्रेन 2 अभियान की शुरुआत की, जिसकी वजह से आम आदमी ही नहीं ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, बल्कि वो इंसान भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और जिनके पैर नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन एक्स, मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। विराली मोदी बचपन में व्हीलचेयर के सहारे नहीं चलती थी। वो एक्टर बनना चाहती थी और थिएटर करना चाहती थी। उनके बहुत सारे सपने थे, लेकिन 2006 में वो पैरालाइज हो गईं। उनकी रीढ़ की हड्डी की नसें दब गईं। तमाम तरह के इलाज करने के बाद भी वो आज भी व्हीलचेयर पर ही हैं। और इन चार पहियों पर आने के बाद ही उन्हें भारत की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते, जिनके हाथ पैर ऊपर वाले की दया से सलामत हैं। ये एहसास बस वही समझ सकता है जो उनकी तरह सेल्फ डिपेंड होना चाहता हो। लेकिन समाज ने ऐसे लोगों को दूसरे पर निर्भर होने के अलावा कोई और चारा ही नहीं छोड़ा, जिसके बाद विराली ने हैशटैग माई ट्रेन 2 अभियान की शुरुआत की। ऐसा क्या हुआ था विराली के साथ, यही जानना चाहते हैं ना आप? दरअसल एक बार की बात है कि अमेरिका में पली बड़ी विराली 2006 में इंडिया आई और इंडिया से वापस जाने के वक्त उनको लगा जैसे कि उनको मलेरिया हो गया है। मतलब कंफर्म नहीं था कि उन्हें मलेरिया ही हुआ है या फिर कुछ और। उन्हें मलेरिया इसलिए लग रहा था क्योंकि जैसे उसमें ठंड लगती है, फिर अचानक से गर्मी लगती है, सिर दर्द होता है और बुखार होता है, यही सब भी उनको भी महसूस हो रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके मम्मी पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको एक नॉर्मल सा ही फीवर है, अपने आप ही वो ठीक हो जाएंगी, और उनको कुछ दवाइयाँ भी दे दी। जब तक विराली दवाई लेती थी तब तक तो वो ठीक रहती थी, उसके बाद फिर उनको फीवर होना शुरू हो जाता था और ये फीवर 103 और 104 तक पहुँच रहा था। उनके मम्मी पापा टेंशन में आ गए क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परेशानी में देख ही नहीं सकते। विराली की मम्मी पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उनके सारे टेस्ट हुए और वो सब नॉर्मल थे। फिर उनका एक स्पाइनल टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में एक सुई लेते हैं और रीढ़ की हड्डी में डालते हैं, वो भी उनका नॉर्मल ही आया। फिर मलेरिया की जांच भी हुई, क्योंकि वो दिल्ली गई थी तो हो सकता है वहां से मलेरिया हो गया हो, तो उनका वो टेस्ट भी नॉर्मल ही आया। उसी दिन डॉक्टर को दिखाने के बाद जब वो घर गई तो सब कुछ ठीक था और वो सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो वो अपनी माँ को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो अपनी मम्मी को मम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे मेरे घर जाना है। फिर उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, अभी सो जाओ, जब उठोगी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, और वो ये सुनकर सो गई। फिर उनकी नानी ने उनको उठाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और सबको पहचानने लगी। उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि विराली को क्या हो रहा है। फिर उनकी मम्मी ने उनको कहा कि वो उठकर तैयार हो जाएं, नाश्ता करने के बाद वो डॉक्टर के पास चलेंगे। वो जैसे ही बेड से उठी तो वो चल नहीं पाई, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे जैसे किसी शराबी के लड़खड़ाते हैं। उनकी मम्मी उनको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल वालों ने विराली का सीटी स्कैन किया तो वो नॉर्मल था। कुछ देर बाद विराली को वॉमिटिंग हो गई। जब उनको वॉमिटिंग हुई तो उनकी सांसें बंद होने लगी और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने उस समय उन्हें मृत घोषित कर दिया था, यानी डॉक्टर्स को लगा कि वो मर गई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जब तक टाइम नहीं आता ना, तब तक कोई इंसान इस दुनिया से जा ही नहीं सकता, और विराली का समय भी जाने का नहीं था। डॉक्टर ने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और तीसरी बार में उनकी सांस आखिरकार वापस आ गई। इसके बाद विराली को आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया। विराली को फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। दुआ से उनकी आंखें उसी दिन खुल गईं और डॉक्टर्स ने उनका फिर स्पाइनल टेस्ट करने को कहा। उसके बाद वो कोमा में चली गई। जब वो कोमा से बाहर आई तो उन्होंने पाया कि उनके गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। विराली को देखकर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर परेशानी है कहाँ। मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी या सूजन, यानी कुछ भी कारण हो सकता था। साल 2008 में विराली स्टेम सेल से ट्रीटमेंट के लिए दोबारा भारत आई। इस दौरान आखिरकार पता चल ही गया कि उन्हें ट्रांसवर्स माइलिटिस है।
ये एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है और नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं। फिर विराली को एक बार ट्रेन में सफर करना था, तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए सीढ़ी थी। अब वो कैसे जाती? तो फिर उनको कुली के सहारे ट्रेन तक पहुंचाया गया और कुली ने जब उनको गोद में उठाया तो वो उनको गलत जगह हाथ लगा रहा था। वो कुली को कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उनको डर था कि अगर वो उनको कुछ बोलेंगी तो वो विराली को गिरा देगा। इसलिए विराली ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि कुलियों को ट्रेन की सीट पर बिठाने के बाद विराली हमेशा सबको थैंक यू बोलती थी। लेकिन विराली को बहुत बुरा लगता था कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। जब कोई भी ट्रेजेडी होती है तो कोई नई बात नहीं कि हम में से बहुत से लोग इसी परेशानी से हार जाते हैं या दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन विराली अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। पैरालाइज होने से पहले उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की क्लासेस ले रखी थी। पैरालाइज के बाद उनका दिल उदास जरूर हुआ, मगर फिर उन्हें साल 2014 के मिस व्हीलचेयर कॉन्टेस्ट में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ वो रनर अप रही। स्टेज पर जाने का आइडिया थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन इसके लिए खुद को दिमागी रूप से तैयार करने के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन के खिताब जीतने वाले वीडियोस देखे थे। इस सफलता के बाद विराली को साल 2015 में नवी मुंबई में हुई मैराथन के विज्ञापन में जगह मिली। इस तरह डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में उनके करियर की नई शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने फिजिकल फॉर्म से डिसेबल्ड लोगों के लिए एक कैंपेन #MyTrain2 की शुरुआत की। इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए ट्रेनों में सुविधाजनक रूप से चढ़ने उतरने की मांग थी। विराली ने पाया कि ट्रेन से बाहर आने के लिए उन्हें किसी की सहायता लेनी पड़ती है। 3 अलग अलग मौकों पर वो भीड़ से घिर गई थी और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। उन दर्द भरे और अपमानजनक अनुभवों की आग को उन्होंने डिसेबल्ड लोगों को अलग थलग किए जाने वाले समाज के नजरिए के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी मेहनत रंग लाई। विराली के कैंपेन को लाख से ऊपर सहयोग मिला। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया। ये स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बना जिसने प्लेटफॉर्म पर रैंप बनवाए और फोल्ड की जाने वाली व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई। फिर धीरे धीरे हर स्टेशन और साथ ही पब्लिक प्लेस पर भी रैंप बनाए गए। मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक में विराली का करियर शुरू हुआ। लगभग 5 साल पहले उन्होंने कोरा पर लिखना शुरू किया। आज कोरा पर विराली के 91,000 फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या के साथ उनकी निजी जिंदगी में भी खुशखबरी है। जी हाँ, विराली मजबूत होती जा रही है, उनकी बॉडी में हरकत हो रही है। वो एक समय पर सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, हर एक के माता पिता अपने बच्चों को बुरे रास्ते से खींच निकालते हैं। वही उनके माता पिता ने भी किया, उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल लिया और आज आप देख सकते हैं कि विराली किस मुकाम पर है। कभी भी अपनी कमी को कमी नहीं समझनी चाहिए, बल्कि अपनी कमी को ताकत बना लेनी चाहिए। बस यही सिखा रही है विराली मोदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस देखते रहिए दी इंडियन एस्ट।